डिग्रियां खरीदी जाती है 90%, 2 लाख, 85%, 1.5 लाख, 80%, 1.25 लाख। नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुआ है और हम कोई बात करने वाले नहीं है। अपने सरकार को स्वतः संज्ञान लेना होगा और हमारा जो मांग है, पिछले 2 दिन से जो मेरा जो आंदोलन है, ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है और हम कभी नहीं रुकने वाले हैं और ये आंदोलन मेरा अनवरत जारी रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ था, उस प्रतियोगिता के परीक्षा के आधार पर बहाली का प्रावधान करे सरकार, एकेडमिक आधार पर बहाली का प्रावधान न करे। डिग्री वाला टीचर है, नॉट मेरिट के टीचर, वहां पर नहीं पता चला आपको, ये निमाकोल सोनू का जो टीचर था दीपक कुमार, उसको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आया, एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आया, आईएएस का फुल फॉर्म नहीं आया, तो कैसा लगा? बिहार का चीरहरण हुआ कि नहीं हुआ? हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद कोई हो ही नहीं सकता। ये सड़क और पुल पुलिया बनाने से एक दशक आबाद होता है महोदय, एक दशक आबाद होता है। अगर कहीं पुल बना देंगे तो 10-20 साल आबाद हो जाएगा। किसी की शादी करा दे, एक पुश्त आबाद हो जाता है। किसी को शिक्षित कर दे, 7 पुश्त आबाद हो जाता है। बिना संघर्षों के सायों में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो क्या इस ये लोग युवा सरकार को झुकाने में कामयाब होंगे? पिछले 2 दिन से, आज दूसरा दिन है, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं एसटीईटी अभ्यर्थी और अपनी मांगों को लेकर के पिछले कई महीनों से सड़कों पर रहे, आंदोलन किए, लाठी का है। बहरहाल नमस्कार, मेरा नाम पंकज और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, अभी अब गर्दनीबाग धरना स्थल पर है और पिछले 2 दिन से, आज दूसरा दिन है, एसटीईटी अभ्यर्थी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। पिछले वही मांग है और उन लोगों से बात करेंगे कि उसमें और अब में क्या कुछ परिवर्तन आया है, सरकार क्या कुछ बात की है। हमारे साथ है अनिल जी। अनिल जी, क्या कुछ बात हुआ है? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुआ है और हम कोई बात करने वाले नहीं है। अपने सरकार को स्वतः संज्ञान लेना होगा और हमारा जो मांग है, पिछले 2 दिन से जो मेरा जो आंदोलन है, ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है और हम कभी नहीं रुकने वाले हैं और ये आंदोलन मेरा अनवरत जारी रहेगा। चाहे मर जाएंगे, मिट जाएंगे इस धरती से, लेकिन उठने वाले नहीं है। बस मेरा एक ही मांग है कि सरकार एसटीईटी मार्क्स पर बहाली का प्रावधान करे। प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ था, उस प्रतियोगिता के परीक्षा के आधार पर बहाली का प्रावधान करे सरकार, एकेडमिक आधार पर बहाली का प्रावधान न करे। डिग्रियां, दिक्कत, डिग्रियां खरीदी जाती है 90%, 2 लाख, 85%, 1.5 लाख, 80%, 1.25 लाख। वो भी तो टीचर ही है, क्या दिक्कत है? डिग्री वाला टीचर है, नॉट मेरिट के टीचर, वहां पर नहीं पता चला आपको, ये निमाकोल सोनू का जो टीचर था दीपक कुमार, उसको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आया, एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आया, आईएएस का फुल फॉर्म नहीं आया, तो कैसा लगा? बिहार का चीरहरण हुआ कि नहीं हुआ? वो एकेडमी के टीचर को कहते, अगर हमारे जैसा टीचर अगर इस बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में बनेगा, तो जब आपके जैसे पत्रकार एडमिशन के स्पेलिंग और हेडमास्टर का स्पेलिंग पूछेंगे, तो बिहार सरकार का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यानी कि क्वालिटी में बदलाव, क्वालिटी में बदलाव करने की बहुत जरूरत है, वरना सारा बेड़ा गर्त हो जाएगा। शिक्षक जितना महत्वपूर्ण पद कोई नहीं होता। एक डॉक्टर इलाज करता है, इंजीनियरिंग का काम करता है, नेता नेतागिरी करता है, पॉलिसी बनाता है, अधिकारी पॉलिसी बनाता है, नीति का निर्माण करता है, और एक टीचर, हम डॉक्टर भी पैदा करते हैं, इंजीनियर भी पैदा करते हैं, नेता भी पैदा करते हैं, अधिकारी भी पैदा करते हैं, डिप्लोमेट्स भी पैदा करते हैं। तो हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद कोई हो ही नहीं सकता। ये सड़क और पुल पुलिया बनाने से एक दशक आबाद होता है महोदय, एक दशक आबाद होता है। अगर कहीं पुल बना देंगे तो 10-20 साल आबाद हो जाएगा। किसी की शादी करा दे, एक पुश्त आबाद हो जाता है। किसी को शिक्षित कर दे, 7 पुश्त आबाद हो जाता है। बिना शिक्षा को आप हिंदुस्तान में बिहार को नंबर 1 राज्य नहीं बना सकते। पता है अमरीका शक्तिशाली देश क्यों है? कि क्या वहां का सब आदमी हाथी को पटक देता है? नहीं, क्योंकि वो 100% एजुकेटेड है। आदमी जब पढ़ लिख जाता है तो अपनी ताकत को पहचान जाता है, अधिकार को पहचान जाता है। सरकार चाहती है कि बिहार के गरीब बच्चे मानसिक रूप से विकलांग बन जाए, और जब विकलांग बच्चा रहेगा तो उसको आवाज नहीं उठाएगा ना, मांगेगा नहीं ना। विकलांग टीचर डालो, विकलांग बच्चा पैदा कर दो। आज शिक्षा मंत्री से बात हो रही थी, बोले थे कि 7वें चरण की जो नियोजन प्रक्रिया है वो बहुत जल्द ही जुलाई के आसपास हम शुरू कर देंगे। जी, आश्वासन तो अभी तक दे ही रहे हैं हम लोग,
लेकिन हम लोग का वो लिखित दे नहीं रहे हैं। आश्वासन में लोग कब तक इंतजार करें? 1922 हो ही गया, अब क्या 32 तक इंतजार करें? इंतजार की भी सीमा होती है, वो लिखित दे दे, हम लोग आधी धरना खत्म करके अपने अपने घर लौट जाएंगे। कोई शौक नहीं है इस 45 डिग्री टेम्परेचर में आप बैठ करके हम लोग को आमरण अनशन करना, भूख हड़ताल करना। हम लोग का बस मांग यही है जो हम लोग अभी पहले भी मांगते आ रहे हैं, अभी मांग रहे हैं कि स्टेट मार्क्स बहाली कर दीजिए। अरे भाई, हमको मेरिट नॉनमेरिट से निकालिए, आप स्टेट मार्क्स तुरंत बहाली कीजिए। विद्यालय में शिक्षा की घोर कमी है, शिक्षा की कमी है, और जो शिक्षा का उनमें क्वालिटी नहीं है, आप मेरिट में अभ्यर्थी हैं उनको भेजिए विद्यालय में और अंकों के आधार पर। और वहाँ पर आप जो है कि ये जब शिक्षक जाएंगे मेरिट वाले और अच्छे अंक वाले, तो वो बिहार के भविष्य को बना देंगे, वो बिहार के आने वाले भविष्य का भविष्य उज्ज्वल हो जाएंगे। अब जब मेरे जैसे अनिल सर जैसे शिक्षक जाएंगे विद्यालय में, तो नहीं तो यही बदनामी का दंश ये बिहार झेलता रहेगा और नीचे से टॉप करता रहेगा। अच्छा, बदनामी का दंश बिहार कब तक झेलता रहेगा? जब तक विद्यालयों में योग्य शिक्षक नहीं होंगे। आपने अभी सर से एक सवाल किया, बात बताया कि अभी शिक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा कि हम जुलाई अगस्त तक शिक्षकों की 7वें चरण की बहाली शुरू कर देंगे। वो शिक्षकों की बहाली शुरू करेंगे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो शिक्षकों की बहाली कैसे शुरू करेंगे, बहाली कब से शुरू होगी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों की बहाली कैसे होगी, किस प्रोसेस से होगी, किस तरीके से होगी। क्या उसी तरीके से होगी जिस तरीके से 17 सालों से बहाली होती आ रही है? दैट मीन्स एकेडमिक मार्क्स पे डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। हम सिर्फ इसके विरोध में बैठे हैं, हम यहाँ अपने नौकरी के लिए नहीं बैठे हैं, हम योग्य शिक्षक विद्यालयों में जाए उसके लिए बैठे हुए हैं। सरकार अगस्त में करेगी, सितंबर में करेगी, ये बहुत इशू नहीं है। आज नहीं कल तो उसे शिक्षक देना ही देना है, नहीं देंगे तो हमारी पब्लिक बैठी हुई है वो सर फोड़ देगी सरकार की, क्योंकि उनके बच्चों को तो आपको पढ़ाना ही है। अब जैसे तैसे या पढ़ा रहे हैं, अब समय आ गया है कि अब जैसे तैसे नहीं, मतलब सोनू जैसा बच्चा कहता है, एक छोटा मासूम बच्चा, कि हम सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, कितनी शर्म की बात है। आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को पता चलता है कि एक सोनू कहता है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, और बताइए कि प्राइवेट स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद सर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई डॉन बॉस्को में पढ़ा रहा है, तो हम अमीर घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं? हमें हमारे पेरेंट्स ने जो गरीब हैं जमीन बेच करके हमें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, हमें हमारे अंदर सरकार ने भी इन्वेस्ट किया है, अच्छा एजुकेशन हमें दिया है, तो हम अपने एजुकेशन का यूटिलाइजेशन गरीब बच्चों में करना चाहते हैं। क्योंकि यू नो डैट कि भारत एक वेलफेयर कंट्री है, और वेलफेयर कंट्री का एम ही होता है कि हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले आप लोग की बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? किनसे? शिक्षा मंत्री से आपके प्रतिनिधि मंडल गए थे। शिक्षा मंत्री से हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें कोई सकारात्मक रूप से जवाब नहीं दिया गया। हम लोगों को सिर्फ यही बोला गया कि जब तक 6ठा चरण खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग इस बहाली को आगे नहीं बढ़ा सकते। मतलब कि 1 साल हो गए रिजल्ट आए हुए, और 6ठा चरण के नाम पर सिर्फ हम लोग को बरगलाया जा रहा है और टाला जा रहा है कि जब तक 6ठा खत्म नहीं होगा तब तक नहीं। 3 महीना से इसका शेड्यूल निकले हो गया 6ठा चरण का, 3 महीना लंबा शेड्यूल होता है इस ऑनलाइन के समय में, डिजिटल युग में। अभी 3 महीना का लंबा शेड्यूल निकाल दिया कि 6ठा चरण में भी 3 महीना लगेगा। हमारा 1 साल रिजल्ट आए हुए हो गया, और अभी भी हम लोग सड़क पर घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से मांग है कि जो पुरानी प्रक्रिया है उसको खत्म करो। हम 4 मांगों के साथ यहाँ पर बैठे हैं। हमारा पहला मांग है कि स्टेट के अंकों के आधार पर बहाली हो। दूसरा मांग है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो। हमारा तीसरा मांग है कि डोमेसाइल नीति लागू किया जाए, जिसमें बिहार के ही अभ्यर्थियों को सिर्फ मौका दिया जाए। और जो हमारा चौथा मांग है, जून 2022 तक के रिक्तियों को जोड़ा जाए, जो सीट 3 सालों में सृजित हुआ है, और जो 6ठा चरण में सीट जो है खाली रहेगा, उन सीटों को भी इसमें रिकैलकुलेट कर दिया जाए, और इन तमाम सीटों को जोड़ते हुए स्टेट 19 का नोटिफिकेशन निकाला जाए, और जल्द से जल्द एक कम समय में बहाली प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। इन 4 मांगों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक ये हमारा मान नहीं लिया जाता है, तब तक हम लोग अनवरत धरना को जारी रखेंगे। तो देखिए, 4 मांगों के साथ उतरे हैं, और पिछले 2 दिन से धरना स्थल पर हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार की बेटियाँ भी सड़क पर हैं, और सरकार ये दावे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनमें कहीं ना कहीं एक और स्लोगन जुड़ गया है कि बेटियों को सड़क पर बैठाओ। तो क्या इन सभी के लिए जिम्मेदार कौन है? सोनू जैसा लड़का सीधे सीधे कह देता है कि मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या वास्तविक में शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है? क्या वास्तविक में बिहार में एजुकेशन सिस्टम, जो क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम है,
वो नहीं है, इन सभी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहरहाल मेरा नाम पंकज और आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।